चलिए आप लोग ऐसे तो 2A पढ़ाने के मूड में नहीं थे, यानी 8.4, लेकिन आप लोग को 2A और 8.4 बना रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट जग रहा है, ठीक है। तो हम भी सोच रहे हैं कि चलिए पहले वही बनवा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में माड पर चलेंगे और फिर अलजेब्रा मेंशन का बारी आएगा, ठीक है। हम अपने सिलेबस से ही चल रहे थे कि 8.4 हम नवंबर दिसंबर में बनवाते हैं, लेकिन क्या बताए कि पटना सिटी का माहौल ही ऐसा बनता है ना कि बच्चे भटक जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको मन 8.4 बनाने का तो हम बनवा लेते हैं। देखिए 8.4 जो नवंबर में बनाते हैं, अक्टूबर नवंबर में ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि लेटेस्ट बैच फरवरी में होता है और इधर आप बाकी और सब्जेक्ट को अच्छे कर लेते हैं। लेकिन कुछ है जो आस पड़ोस में परेशान है, आस पड़ोस के पढ़ते हैं लोग, भाई से चचा से लोग से, तो वो लोग सिखाते हैं कि ट्रिगो मजबूत कर लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए त्रिकोणमितीय सब समीकरण तो हम मिटा दिए, तो पिक्चर आया होगा शुरू के स्लाइड में आया होगा, तब पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का इंग्लिश लिखिएगा आपका त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जैसे बीजगणितीय सर्व समीकरण भी होता है, बीजगणितीय सर्व समीकरण इसको बोलते हैं, जैसे ए स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस, इन दोनों से देखिए 3ab कॉमन है तो 3ab कॉमन नहीं है तो a प्लस बी हो गया और ये प्लस में क्या हो गया बी क्यू, ठीक है। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यू होता है, a माइनस बी का होल क्यू जैसे क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस में बी क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 3ab कॉमन a माइनस बी और माइनस में बी क्यू, ठीक है। तो ये सब क्या है, सर्व समीकरण है, ये क्या है सर्व समीकरण, ठीक। इनको सर्व समीकरण क्यों बोलते हैं कि a और b के सभी वास्तविक मानों के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए, a और b दोनों रियल नंबर हो तो LHS और RHS आपस में क्या है इक्वल रहेगा। इसमें कोई भी किसी को भी ले लीजिए आप, तो LHS RHS a और b के सभी वास्तविक मानों के लिए LHS और RHS आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्व समीकरण। उसी तरह त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भी होती है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक संबंध बनेगा, जैसे साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट का आपस में संबंध होगा, सेक और टेन का होगा, कॉसेक का कॉट का होगा, साइन कॉसेक का होगा, कॉस सेक का होगा, ठीक है। टेन का साइन और कॉस के साथ संबंध होगा, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपस में एक संबंध स्थापित होगा, ठीक, उसमें जो कोण थीटा होगा तो थीटा के सभी मानों के लिए वो संबंध ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा। थीटा के सभी मानों के लिए वो संबंध क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। जैसे कि अगर हम लिख के दें, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम दें सर्व एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
जैसे हम लिख दिए साइन स्क्वायर, बोर्ड पर बता चुके इसलिए एग्जांपल के रूप में मिली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दिए हैं वन, ये एक समसमिका है। थीटा का मान आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी आपको याद होगा ही, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, अभी अब इतना ही याद किए हैं। अब 11th क्लास में जाएंगे तो 18 का यह याद करेंगे, 15 का याद करेंगे, ठीक है, 75 याद करेंगे, 72 याद करेंगे, 6 डिग्री का याद करेंगे, ठीक है, 36 डिग्री का याद करेंगे, ठीक, और भी बहुत सारा, 22.5 डिग्री का याद करेंगे। तो ये ऊपर 10th का है, ये सब 11th क्लास में आ जाएगा। तब थीटा का मान यहाँ कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी, यहाँ तक कि आप 90 डिग्री से ज़्यादा 120 डिग्री, मान लिया 3250 डिग्री, कुछ भी थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो ये संबंध क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे सर्वसमीकाएँ, ठीक है। तो हम लोग 10th क्लास में कुछ सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे, उसको हम प्रूफ भी करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे, ठीक है। चलिए परिभाषा से याद करके रखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, आसान सा क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कुछ स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। नाउ टू टेल अबाउट द सम ट्रिगोनोमेट्रिकल, ठीक है, सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। नाउ वी टेक अ फर्स्ट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कॉस, ठीक है, यानी हम पहला सूत्र को यूज करेंगे जिसमें साइन और कॉस के बीच के संबंध की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम कुछ ट्रिकोमेट्री अनुपात, ठीक है ना, सम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो सूत्र है, जो उसके ट्राइंगल के भुजा के साथ, त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो उसका संबंध स्थापित है, जो 8.1 में पढ़ रखे थे, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे साइन थीटा पी वाई बी, सॉरी साइन थीटा पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, और ये आपका हो गया टैन थीटा पी वाई बी, ये कॉस थीटा एच वाई पी, कॉस सिक थीटा एच वाई बी, कॉट थीटा बी वाई पी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, और कुछ ये फॉर्मूला पाइथागोरस वाला भी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, इन सभी का ही यूज होगा पूरे जो ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यानी मानक स्टैंडर्ड को हम बोलेंगे मानक, ठीक है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक के सर्वसमीकरण है। तो उसके लिए हम लोग इन सभी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए संबंध कैसे बनेगा। नंबर वन, सबसे पहले आप फॉर्मूला को गौर से देखिए, तो आपको दिखे है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर हम साइन और कॉसेक गुना करते हैं, यानी पी वाई एच इंटू एच वाई पी करते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, वन आया, रिजल्ट क्या आया, वन आया। तो इससे फॉर्मूला बना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन, इसे सूत्र क्या बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, यानी बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इससे कुछ 2-3 फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, चलिए तो कुछ बात को अब यहाँ ध्यान से लिखिए। अगर हम कॉसेक को नीचे कर दे तो साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, अगर हम साइन को बटा में कर दे तो कॉसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या करना है, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है,
और ये आपको याद करना है कि साइन थीटा एक तो कॉसेक थीटा वन होता है, साइन थीटा को वन बाई कॉसेक, और जहां हमको वन बाई कॉसेक दिखा वहां हम क्या लिख सकते हैं साइन। याद रखिएगा जहां साइन साइन को वन बाई कॉसेक में भी चेंज कर सकते हैं, और जहां हमको वन बाई कॉसेक दिखेगा वन बाई कॉसेक हम वहां क्या लिख सकते हैं साइन। वैसे ही वन बाई साइन को कॉसेक लिख सकते हैं और कॉसेक को वन बाई साइन लिख सकते हैं। तो आपको याद करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम पूरे फॉर्मूले को यूज करेंगे, सब ध्यान रखिए। इसी तरह हम लोग टैन कॉस और सेक और फिर टैन और कॉट के रिलेशन को भी देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम सेकेंड में चलते हैं। हम क्या लेते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा को। तो कॉस आपका क्या है बताइए, कॉस आपका है बी बाई एच और ये आपका है एच बाई बी, जो कैंसिल हुआ है से आया वन। यानी फार्मूला आपका बना कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन हो गया। चलिए तो एक फार्मूला आपको याद करना है। दूसरा, अगर हम सेक को उधर ले जाए तो कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक थीटा। आपको दोनों तरीके से याद करना है कि जहां वन बाई सेक दिखा वहां कॉस, और जब कॉस दिखेगा वहां वन बाई सेक हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर हम कॉस को बढ़ता में ले जाए तो सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस, यानी वन बाई कॉस को भी क्या लिख सकते हैं सेक। देखिए इससे एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, जैसे कॉस थीटा किसके बराबर है, वन बाई सेक के। वन तो एक नंबर है और सेक मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर यहां क्या बोल सकते हैं कि कॉस सेक के रूप में है। ऐसा बोल सकते हैं ना कि कॉस किसके रूप में है, सेक के रूप में। कॉस सेक के रूप में है का मतलब कि एलएचएस में कॉस होना चाहिए और आरएचएस में या तो कोई अंक और अंक के अलावा सेक, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट ये सब कुछ नहीं। क्या होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक। तो एक तरफ कॉस है और दूसरी तरफ क्या है सेक है, तो हम बोल सकते हैं कॉस सेक के रूप में है। यहाँ पर कॉस किसके रूप में है, सेक के रूप में। परीक्षा में आपका एक नंबर हो गया। अच्छा इसको आप देखकर क्या बोल सकते हैं, देखिए एक तरफ सेक है और दूसरी तरफ क्या है कॉस है, तब बोलेंगे सेक कॉस के रूप में है। अब यहाँ थीटा बोल सकते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा के रूप में है, लीजिए लिख देते हैं सेक थीटा कॉस थीटा के रूप में है, ऐसे याद कीजिए, या सेक कॉस के रूप में है आपकी मर्जी, ऐसे याद करना है वैसे याद कीजिए। तो ध्यान रखिए एक नंबर हो गया। पिछले वाले मैथ में यानी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम मेंशन कर देते हैं, तो याद रखिएगा ना कि सेक कॉस इंटू सेक वन, कॉस को वन बाई सेक और वन बाई सेक को कॉस, सेक को वन बाई कॉस और वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हम वीडियो बनाते हैं वो मेरा वीडियो पब्लिक तो है नहीं, तो किसी बच्चे को आप अपने फ्रेंड को जो इस कोचिंग में नहीं पढ़ता है, सॉरी बोर्ड में जो क्लास नहीं कर रहा है, उसको आपको लिंक नहीं देना है। थोड़ा सा ईमानदार बनिए और मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को आप शेयर कीजिए जो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और किन्हीं का नहीं, या जिनको हम बोले। यानी कोई बच्चा अगर लेना चाहता है तो अगर वो कोचिंग में नाम लिखा लेता है तब आप उसको दीजिए, नहीं तो आप उसको वीडियो शेयर नहीं कीजिए, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पहला नंबर में फिर से दोहराते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन था, आपको तो ये याद करके रखना ही है। इससे एक बना था कि अगर हम कॉसेक को वन के नीचे ले जाए तो वन बाई कॉसेक, एक ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के रूप में है, ऐसा बोल सकते हैं ना। चलिए उसके बाद अगर हम साइन को नीचे ले जाएं तो कॉसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा, देखिए साइन लिखा हुआ समझ जाइए,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा साइन थीटा के रूप में है। किसी के रूप में होने का मतलब एक तरफ जिसको आप चाहते हैं और दूसरे तरफ जिस रूप में चाहते हैं। जैसे हम साइन को लिखना चाहते हैं तो एक तरफ साइन, किसके रूप में, तो कोसेक के रूप में, तो आरएचएसएल में सिर्फ कोसेक लिखेगा। ठीक है, जिसको आप लिखना चाहते हैं वो लिखेगा आर एल एच एस में, जिसके रूप में लिखना चाहते हैं वो लिखेगा आर एच एस में। जैसे हम कॉसेक को लिखना चाहते हैं साइन के रूप में, तो कॉसेक थीटा में लिखेगा एल एच एस में, और साइन कहाँ लिखना चाहिए, आर एच एस में। तो कॉसेक किसके रूप में हुआ, साइन के रूप में। ये सब एक नंबर में आता है परीक्षा में डायरेक्ट, इसलिए ध्यान से रखिएगा बात को। चलिए इसी तरह हम लोग फिर किसका बात कर लेते हैं, टैन का, किसका, टैन का और कॉट का। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन आपका है पी बाई बी, ये आपका है बी बाई पी, दोनों कट के आ गया वन, यानी फॉर्मूला मेरा बना क्या कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है। एक ये फॉर्मूला बन गया कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, इससे दो और, ठीक है, इससे दो और फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अगर हम कॉट को ढले जाए टेन थीटा वन बाई कॉट, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा कॉट थीटा के रूप में है। ठीक है, अगर हम टेन को ढले जाए यानी कॉट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा, याद कर रखना है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉट थीटा टेन थीटा के रूप में है। दिक्कत तो याद कैसे करना है कि जहाँ टेन लिखा वन बाई कॉट लिख सकते हैं, और वन बाई कॉट को आप किस में यूज कर सकते हैं, टेन में बहुत काम का फॉर्मूला है सर, कॉट थीटा को वन बाई टेन और वन बाई टेन थीटा को कॉट थीटा हम लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा tan थीटा 1 by cot, यानी आपसे पूछे हम कि tan थीटा को cot थीटा के रूप में क्या होगा, तो आपको बोलना है tan थीटा बराबर 1 by cot। अगर आपसे हम पूछे हैं कि cot थीटा को tan थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, cot थीटा को tan थीटा के रूप में, तो आप बोलेंगे cot थीटा बराबर 1 by tan थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा tan into cot 1 होगा। तो साइन कॉसेक दिखाई दूसरे का उल्टा है, कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, और टैन कॉट भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ये हुआ इनटू का रिलेशन, एक दूसरे से इनटू का। अब आगे देखिए, साइन फोर्थ नंबर फॉर्मूला बनेगा कि साइन थीटा को ऊपर रख दिया कॉस थीटा को नीचे, तो साइन थीटा होता है आपका पी वाई एच, और ये होता है आपका बी वाई एच, एच से एच कैंसिल, ऊपर बच गया पी और नीचे बच गया बी, और ये पी वाई बी किसका होता है टैन का। तो आपका ये फॉर्मूला बना कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। आइए समझ में, टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसके, इससे कोई अब नया फॉर्मूला इसको नहीं यूज करते हैं, बस tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये कब यूज होता है, जब बोलेंगे ना tan थीटा को sin के रूप में या tan थीटा को cos के रूप में, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा। पांचवा नंबर, इसका क्या कहते हैं कि cos थीटा को ऊपर रख दिए और sin थीटा को नीचे रख दिए, ठीक है। तो आगे देखिए, cos थीटा हो गया आपका बी वाई एच, और ये हो गया आपका पी वाई एच, एच से एच कैंसिल, ऊपर बचा बी और नीचे बचा पी, ये हो गया cot थीटा। तो फॉर्मूला बन गया क्या कि cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। याद हो जाएगा, sin ऊपर cos नीचे तो tan, कॉस ऊपर साइन नीचे तो कॉट, ठीक, कॉस ऊपर साइन नीचे कॉट, साइन ऊपर कॉस नीचे तो टेन।
तो ये भी आपका हो गया संबंध। अब बारी है स्क्वायर का संबंध, स्क्वायर का से क्या संबंध हो लेकिन छठा नंबर। हम क्या किए हैं कि साइन स्क्वायर लिए और कॉस का स्क्वायर ले लिए, क्या ले लिए साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। साइन होता है पी वाई एच, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर बैठा लिए, एक लाइन बना देते हैं, चलो एक लाइन बनाते हैं, देखिए पी वाई एच और ये होता है बी वाई एच, ठीक है। तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, एच स्क्वायर आपका होगा एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये कट के आ गया आपका वन, ठीक है। ये हम लगा लेना, ठीक है। तो अब देखिए इसे बना क्या, इससे बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। यानी आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। आपको यही याद करना है, ठीक है। देखिए अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। अगर हम कॉस को उधर कर दें, किसको उधर कर दें, कॉस को अगर हम उधर ले जाए, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या किए हम, स्क्वायर को उधर कर दिए, किसको, स्क्वायर को, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलिए ना नहीं सबको, ठीक है। यानी इससे एक बना दे, हम कॉस को उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है। यानी आप वन माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं आपको ये रूट भी दिखेगा, रूट भी दिखा, जैसे वन माइनस कॉस स्क्वायर तब तुरंत लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। जैसे रूट में आपको दिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर, तब सीधा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। या आप दो काम कीजिए, पहले वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर को लिखिए साइन स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो साइन ही आएगा, ठीक। अब देखिए एक तरफ साइन है और दूसरे तरफ क्या है, कॉस है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में है, रूप में है। या क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा किसके रूप में है, कॉस थीटा के रूप में है। बट आ गया समझ में, साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, हम बोल सकते हैं साइन थीटा किसके रूप में है, तो कॉस के रूप में है। ये और ये आपको दोनों याद रखना है, कहीं ये यूज होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा तो साइन स्क्वायर, जहाँ साइन स्क्वायर लिखा वहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर, मैथ बनाने में बहुत आसान होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये और ये दोनों याद करके रखना है, ठीक है। भूलने का कोई सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चाहिए तो याद करना ही है, देखिए अब क्या करते हैं, अभी किसको कॉस को ले जाते हैं ना, अब किसको ले आते हैं साइन को,
हाँ यहाँ देखिए ऐसा क्या करते हैं, कॉस को लेकर आप साइन को ले आते हैं, तो आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। या वो क्या कर लेना है, याद कर लेना है, छोड़ने का सवाल ही नहीं है, ध्यान से अच्छे से क्या कर लेना है याद, ठीक है। साइन कॉस साइन को ढलेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब स्क्वायर को ढले जाते हैं तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत अच्छा है, याद कर लेना है सभी को, ठीक है। कहती है स्क्वायर को ढलेंगे तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। आप देखिए एक तरफ कॉस दिखा, एक तरफ क्या दिखा साइन, तो इस बात को क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा के रूप में है, बोल सकते हैं कि कॉस थीटा किसके रूप में है, साइन थीटा के रूप में। फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, ये तो बहुत बार यूज कर ही चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, स्क्वायर को ढलेंगे तो साइन थीटा को अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। सिमिलरली साइन को जब उधर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर लेंगे तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, एक तरफ साइन दूसरे तरफ कॉस, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में है, और यहाँ दिख रहा है एक तरफ कॉस दूसरे तरफ साइन, यानी कॉस थीटा किसके रूप में है साइन थीटा के रूप में है, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए देखिए इस फॉर्मूले का यूज आपको एक तरह सिखा देते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आया कि टेन थीटा को साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा के रूप में लिखे, ऐसा क्वेश्चन आया या ऐसा ऑप्शन में है, टेन थीटा को एक बार साइन के रूप में, एक बार किसके रूप में कॉस के रूप में, देखिए बहुत आसान है। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस, यहां से दो बार, अगर हमको किसके रूप में लिखना है साइन थीटा के रूप में, टेन थीटा को किसके रूप में लिखना है साइन थीटा के रूप में, कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन है ही, लिख दिए साइन। अब याद कीजिए कॉस में क्या फॉर्मूला था, तो कॉस को हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया टेन थीटा किसके रूप में साइन थीटा के रूप में, ठीक क्या हो गया टेन थीटा साइन थीटा के रूप में, यूज कर लिया ना कॉस थीटा, हो गया लिख दिए अंडर रूट वन माइनस साइन, क्योंकि वो तो साइन था ही, सिर्फ कॉस को हटाकर साइन आना था, तो याद किए फॉर्मूला कि एक तरफ कॉस और दूसरे तरफ साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो सूत्र था कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, अब टेन थीटा किसके रूप में लिखना है कॉस के रूप में, तो यही बात एक पहला लाइन, सेकेंड लाइन टेन थीटा, देखिए ये तो ऑलरेडी कॉस है तो है ही, ये कॉस का कॉस, हटाना किसको है साइन को, तो याद कीजिए एक तरफ साइन और दूसरे तरफ कॉस क्या है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, आ गया ना एक तरफ टेन और दूसरे तरफ कॉस, तब इसको क्या बोलेंगे टेन थीटा कॉस थीटा के रूप में, हो गया। तो ये से एक नंबर के लिए तैयारी हो गया आपका, याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे टेन आया वैसे ही हम ईश्वर क्या दे रहे हैं आपको कॉट, ईश्वर आपको क्या दे दिए कि आपको कॉट लिखना है, ठीक है। कि कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिखे, कैसे तो पहले स्टार्ट करेंगे कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सबसे पहले साइन के रूप में बात कर लेते हैं साइन के रूप में, ठीक है। कैसे ध्यान से रखिए कॉट थीटा बराबर नीचे तो साइन है ही,
किसके रूप में लिखना है, साइन के रूप में, तो नीचे तो साइन है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही साइन नहीं, ऊपर कॉस है, तो याद किए कि कॉस थीटा को लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिखा गया कॉट थीटा किसके रूप में लिखा गया, साइन के रूप में, यानी कॉट थीटा साइन थीटा के रूप में है, बन गया। अब हमको लिखना है कॉस के रूप में, कॉस के रूप में, तो कैसे, पहले लिखेंगे परीक्षा में कॉट थीटा कॉस बटा साइन, फिर अगले स्टेप में कॉस, देखिए कॉस के रूप में ना, तीन कॉस है ही, तो कॉस का कॉस लिखा गया, ये साइन को हटाएंगे तो साइन को लिख दिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, यानी कॉस थीटा के रूप में है, हो गया, कॉस थीटा किसके रूप में, कॉस थीटा के रूप में है, ग्यारह समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला यूज भी सीख गए कैसे होता है, चलिए तो साइन कॉस का रिलेशन भी हो गया, साइन कॉस का फॉर्मूला भी देखिए। अब बात आता है इसका टेन और सेक और टेन का देखते हैं, क्या छठा था लगता है, हाँ छठा सेवन नंबर, तो हम ले लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिए ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक को लिखते हैं क्या एच वाई बी स्क्वायर माइनस, टेन को क्या लिखते हैं पी वाई एच, पी वाई बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, ठीक है, तो एलसीएम लिए तो होगा बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला है बी का ना, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट के हो गया वन, यानी फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या बना सेवन में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, देखिए स्क्वायर का टिंग ही फॉर्मूला है, स्क्वायर में एक साइन का देख लिए, एक सेक और टेन का देख रहे हैं, और एक हम देखेंगे कॉसेक और कॉट का, ठीक, तो मेरे पास जो टिंग फॉर्मूला होता है, एक होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये माना साइन और कॉस का फॉर्मूला, एक होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ये माना सेक और टेन का फॉर्मूला, देखिए टेन में पी ऊपर होता है, और एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए बी ऊपर मतलब कॉट, ठीक, और एच में कॉसेक, इधर पी, तो ये बनेगा कॉसेक कॉट का, ये बना सेक और टेन का जो भी देख रहे हैं, आइए पास छठा नंबर फॉर्मूला था साइन और कॉस का, तीन स्क्वायर होता है पाइथागोरस में, रेंज तीन स्क्वायर में संबंध है, उसी तरह से त्रिकोणमितीय समसमिका में भी तीन है, देखिए यही तीन सब फॉर्मूला बना हुआ कुछ नहीं है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो आपको ये याद करके रखना है, ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, और इससे देखिए क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम टेन को उधर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बन गया, अब स्क्वायर को उधर ले लीजिए, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कोई दिक्कत, सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा टेन थीटा के रूप में है, ठीक है, सेक थीटा किसके रूप में है, टेन थीटा के रूप में है, चलिए अब इससे एक और, इस बार क्या है ना कि वन प्लस इधर आएगा तो होगा माइनस, और टेन माइनस उधर जाएगा तो होगा प्लस, यानी क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस इधर कर दिए माइनस वन, टेन माइनस उधर कर दिए प्लस में टेन स्क्वायर,
ऐसे याद कीजिए या इसी बात को ऐसे लिख के याद कर लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा अगला देखिए, अब स्क्वायर को ढल ले जाइए तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं ना कि ये टेन थीटा सेक थीटा के रूप में है। टेन थीटा किसके रूप में है? सेक थीटा के रूप में है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट है फॉर्मूला आपका कॉसेक और कॉट। अब देखिए इसको याद करना क्यों जरूरी है और इसको याद करना क्यों जरूरी है। ठीक, अब उस बात को आपको समझाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिए कि कॉस थीटा को टेन थीटा के रूप में लिखें। कॉस थीटा को किसके रूप में लिखना है? टेन थीटा के रूप में। ठीक, तो आंसर याद कैसे आएगा? तो हम याद करेंगे सबसे पहले कि हम कॉस थीटा से जा सकते हैं सेक पर, यानी कॉस थीटा को हम लिख दिए वन बाई सेक। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि सेक को हम टेन में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया ना। फिर से देखिए, कॉस थीटा को किसके रूप में लिखना है? टेन, यानी एक तरफ कॉस होना चाहिए और दूसरे तरफ टेन होना चाहिए। तो हम पहले गए कॉस से सेक। ठीक, आप इस सेक से कहाँ चले गए? टेन पर, क्योंकि हमने याद किया ना कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर। इसलिए पहले हम कॉस थीटा को चेंज किए वन बाई सेक थीटा के फॉर्मूला में, और वन को वन छोड़ दिया, सेक को चेंज कर लिया अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर। तो क्या कॉस किसमें चेंज हो गया? टेन में। कोई कंफ्यूजन? कॉस किसमें चेंज हो गया? टेन में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और भी अरेंज है, तो एक एग्जांपल हो गया। आपको क्यों याद करना चाहिए, याद करने में क्या फायदा है? तो याद करेंगे तो मैथ बनेगा, नहीं याद करेंगे फॉर्मूला तो मैथ नहीं बनेगा। चलिए, एक हो गया कॉसेक और कॉट, वो हम प्रूफ करके नहीं दिखा रहे, खुद से कीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है। यहाँ से भी दो चेंज, एक जब कॉट को उठा ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर को उठा ले जाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है अंदर? इस बात को बोल सकते हैं ना कि कॉसेक थीटा किसके रूप में है? कॉट थीटा के रूप में है। ये ठीक है, बोल सकते हैं ना कि कॉसेक थीटा किसके रूप में? कॉट थीटा के रूप में है। चलिए प्रयासी, और ऐसा क्या करते हैं कि वन को इधर और कॉट को उधर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। वन को इधर माइनस कॉट उधर गया प्लस। ऐसे याद कीजिए, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, अब स्क्वायर को उधर ले जाइए तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉट थीटा कॉसेक थीटा के रूप में है। कॉट थीटा किसके रूप में है? कॉसेक थीटा के रूप में है। ठीक, याद कीजिएगा। अब देखिए, इस सब को याद करना क्यों जरूरी है वो समझिए, नहीं याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे परीक्षण एक नंबर में आता है, जैसे क्वेश्चन बना
कि साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में, और ऑप्शन है चार ऑप्शन होगा ठीक है, कैसे तो गेसिंग करेंगे ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप पहले जाएंगे साइन थीटा से कॉसेक में, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक कॉट में लिखाता है अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। साइन थीटा को पहले चेंज किए वन बाई कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला था ना अभी अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक को हटा कर लिख दिया अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए साइन किस में चेंज हो गया, कॉट में ठीक है, साइन किस में चेंज हुआ कॉट में। चलिए और इससे और बहुत सारे फॉर्मूल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे टैन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में, इसको टैन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में। देखिए फॉर्मूला को याद होना चाहिए कि कॉट को हम कॉसेक में लिख सकते हैं, टैन को हम कॉट में लिख सकते हैं। तो टैन को लिखिए सबसे पहले वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख दिए अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टैन को लिखे पहले वन बाई कॉट, और कॉट को लिख दिए वन बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टैन थीटा वन बाई कॉट ठीक है, और कॉट को चेंज कर लिए अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में। आगे सब में इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा अच्छे से ठीक है। तो चेंज करना आपका काम है, एक को एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला में चेंज कर दिए तो कैसे, तो परीक्षा में ऐसे टाइप से आते रहता है क्वेश्चन, जैसे कि आ गया साइन थीटा को साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में, साइन थीटा को किसके रूप में सेक के रूप में। तो कैसे याद कीजिए, साइन से हम जा सकते हैं कॉस पर, और कॉस से हम चले जाएंगे सेक पर, क्योंकि कॉस सेक में सजुलेशन फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। तो हम पहले गए साइन थीटा से गए कॉस पर, तो कॉस को लिख दिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिखाई दिया साइन से कहाँ चले गए कॉस पर, और कॉस से कहाँ जाएंगे सेक पर, तो कॉस को लिखते हैं ना वन बाई सेक, कॉस को क्या लिख सकते हैं वन बाई सेक का स्क्वायर है, तो क्या लिख दिए स्क्वायर। साइन थीटा को लिखिए अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है आपको याद करना है। हमको आंसर किस में लेना है सेक में, तो फिर कॉस को चेंज किए वन बाई सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ले दिए। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये सेक थीटा का सेक थीटा। तो साइन किसके रूप में लिखा गया सेक के रूप में लिखा गया, साइन किसके रूप में लिखा गया सेक के रूप में ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है साइन किसके रूप में लिखा गया सेक के रूप में। प्रोसेस देखिए, साइन से गए कॉस, और कॉस को चेंज किए सेक, आप फिर अरेंज किए तो सेक कैंसिल हुआ ठीक है। चलिए अगर अगर आ गया साइन थीटा को कॉट, तो कॉट बता दिए ना साइन से कॉसेक से कॉट गए थे, हाँ कॉट बता दिए। अगर साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में लिखना है, साइन थीटा को किसके रूप में टेन में, तो देखिए कैसे साइन से जाएंगे कॉसेक, कॉसेक से जाएंगे कॉट, और कॉट को चेंज कर लेंगे टेन में। साइन से गए कॉसेक तो हो गया वन कॉसेक थीटा ठीक है, फिर कॉसेक से चले गए कॉट पर तो ये हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट से चले गए टेन पर तो हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉट का क्या होता है वन बाई टेन स्क्वायर, तो क्या लेंगे स्क्वायर उसका स्क्वायर एलसीएम लेंगे और थोड़ा सा इसको सजाएंगे वन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन रूट से बाहर, ये तो रूट से बाहर आएगा नहीं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये तो रूट से बाहर आएगा ना टेन थीटा, ये टेन कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि आप लोग का मेन बट्टा का साइन ये है कि टेन कहाँ गया ऊपर, तो गया टेन थीटा बराबर अंडर रूट
नीचे हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन थीटा बटा में अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये वन प्लस टेन स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है, यानी टेन थीटा और नीचे में वन प्लस टेन स्क्वायर, प्लस है ना आगे पे चलेगा, तो साइन किस में चेंज हो गया, टेन में, साइन से पहले गए कॉसेक, कॉसेक को चेंज किए कॉट में, कॉट को चेंज कर लिए टेन में, उसका इतना रेंज है, ये तो आपको बेसिक चीज है। तो मेन स्टेप तो ये ना हो याद करना कि साइन से हमको जाना है कॉसेक, कॉसेक से जाना है कॉट पर, और कॉट को चेंज करना है टेन में, तो साइन किस में चेंज हो गया टेन में। इसी तरह आप सभी कुछ को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है, यानी ये आपको खुद से करना है कि साइन को कॉस के रूप में, साइन को कॉसेक के रूप में, साइन को सेक के रूप में, साइन को कॉट के रूप में, साइन को सभी रूप में, उसी तरह कॉस को सभी के रूप में, फिर सेक को सभी के रूप में, कॉसेक को सभी के रूप में, सभी को सभी के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, काम हुआ। हाँ, तो इस वीडियो में फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यानी फॉर्मूला जितना था वो आपको हम अब बता दिए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन का टाइप कैसा कैसा होता है वो देखिए, तो इस पूरे चैप्टर में तीन तरह से टाइप बना देंगे हम। एक टाइप होगा एक सीधा फॉर्मूला यूज होगा, और अलजेबरा का बीज गणित का सूत्र यूज होगा, जैसे स्क्वायर प्लस बीस का लिखे थे, ट्रिगो का फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री सब समीकरण का फॉर्मूला, और सीधे अलजेबरा का फॉर्मूला यूज कीजिए आपका आंसर। एक आपका होगा एलसीएम मेथड, यानी आपको नीचे में एलसीएम लेने के बाद ही वो मैथ बनेगा, ठीक है। और एक आपका होगा हर पल में करण करना होगा, यानी हर में कुछ होगा उसका अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तब जाके वो मैथ बनेगा। तीन तरह का टाइप हो गया, पहला सीधे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यूज करना है और अलजेबरा का फॉर्मूला यूज करना है, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप में आपको बिना एलसीएम लिए मैथ नहीं बनेगा, ठीक है, दूसरा टाइप आपको एलसीएम लेना होगा। तीसरा टाइप जिसमें आपको हर पर में करण करना होगा, हर परी में करण, ठीक है, नीचे का वन माइनस कॉस है तो ऊपर भी और नीचे उसके अपोजिट वन प्लस कॉस से क्या करना होगा, गुना। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा है ताकि अगले क्लास में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रख देते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ज़्यादा उस क्वेश्चन को ही प्रेफर करेंगे जो बच्चे की फोटो व्हाट्सएप में भेजे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सिखाते हैं कि कैसे ये मैथ बनता है। बाकी एक्सरसाइज तो आपके पास है ही, एक्सरसाइज बनाइए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू, यहाँ तक।